मारे को। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये वो नाम है जिसे सुनकर एक सांसद बाद में याद आता है। पहले लंबे वक्त तक कड़कड़ाती धूप में जंतर मंतर पर बैठी देश की खिलाड़ी बेटियां याद आती है। शर्म आती है ऐसे कानून व्यवस्था और राजनीति देखकर, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को बाहर छोड़ रखा है और वो अब तक सांसद के पद पर भी अपनी जगह बनाए बैठे हैं। लेकिन राजनीतिक एजेंडे से देखें तो 2024 के चुनाव में बीजेपी ने भी अपना दाव केसरगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार को चुनने के लिए बहुत सोच समझ कर खेला है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ब्रिजभूषण से अभी देश नाराज चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने एक और गलती की जिसका अफसोस यकीनन उनको अब हो रहा होगा। दरअसल बीजेपी ने केसरगंज से ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण पर दाव लगाया था, लेकिन करण भूषण ने ऐसी गलती की है जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि बाप के बाद अब बेटे का पापों का घड़ा भर गया है। क्या किया है करण सिंह ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश के केसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद परिजनों के केस दर्ज कर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले तो सवाल यही उठता है कि आखिर बड़ी घटना कैसे घट गई, आपने चुनाव प्रचार के बीच मासूम बच्चों की जान ले ली। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सांसद ब्रिजभूषण अपने बेटे को बचाने और फंसाने दोनों का बयान एक ही वीडियो में दे रहे हैं। दरअसल ब्रिजभूषण ने एक तरफ कहा कि ये जो घटना हुई उसमें सारी गलती ड्राइवर की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके बेटे की गाड़ी से ही घटी है, जो कि दर्दनीय है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। हमारे बेटे की गाड़ी, उसका जो एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती है। बट रोंदे धोनी की गाड़ी से गए ना? आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड हमेशा से यही रहा कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े, महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? करण भूषण नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। जरा इस सांसद को देखिए, इसको देखकर आपको लगता है कि इनको कोई दुख है उन मासूम बच्चों का? किस तरह वो बच्चे सड़क पर खूनम खान पड़े हुए थे, लेकिन बेटा तो बाप का है, एक बार भी नहीं रुका वो। यानी कि घटना के दौरान करण भूषण का काफिला वहां पर ना ही रुका और ना ही करण भूषण ने खुद उतरकर बच्चों का हाल चाल जानने की कोशिश की। काफिला बच्चों को रौंदता हुआ चला गया और मौके पर ही 2 बच्चों की मौत हो गई। आज बीजेपी एक बार फिर मौन बैठी है और करण भूषण को ही टिकट दिए हुए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर राजनीति किस तरह से खेली जा रही है। अब क्योंकि करण सिंह गंदे हो गए हैं तो बीजेपी उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देगी। ऐसे नेता के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें।